हेलो दोस्तों, तुम सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। चलो आज तुम्हें सुनीता की कहानी सुनाती हूँ। सुनीता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। वो अपने पापा की लाडली थी। उसे कोई तकलीफ ना हो इसलिए उसके पापा उसे एक कार भी दिया था और उस कार की एक ड्राइवर भी था। उस ड्राइवर का नाम था सुनील। सुनीता सुनील को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए जल्दी सुनील उसके बॉयफ्रेंड बन गया। एक दिन वो सुनील को बोल रही थी, देखो हम दोनों इस तरह घूम रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर पापा को पता चल गया तो क्या होगा? और क्या होगा, तुम सच बता देना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर पापा हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो फिर चलो एक काम करते हैं, हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जाके उनसे माफी मांग लेना, बस। शादी कर लेंगे तो फिर वो दोनों मान जाएंगे, हमें माफ कर देंगे? हाँ बिल्कुल, देखो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर वो तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? वो दोनों जरूर मान लेंगे इस शादी को, डरो मत। इसलिए वो दोनों एक मंदिर में गए शादी करने के लिए। शादी के बाद जब सुनीता अपने मायके में गई, उसके मम्मी पापा इस शादी को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए सुनीता बहुत दुखी हो जाती है और सुनील के साथ उसके घर जाती है। अब क्या होगा, देखा पापा ने हमारी शादी को मानने से इनकार कर दिया। अरे इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, देखो आज पहले दिन है इसीलिए वो लोग बहुत गुस्से में हैं, इसीलिए वो शादी मानने से इनकार कर दिया। अब कुछ दिन बीतने दो, उनकी गुस्से ठंड हो जाने दो, फिर जाना, वो लोग जरूर मान लेंगे। इसी तरह एक साल बीत गया और सुनीता एक छोटे से बच्चे के जन्म दिया। पर कुछ ही दिनों में सुनील को पता चला कि सुनीता के पिताजी उनकी सारे जायदाद एक ट्रस्टी के नाम कर दिया। इस बात को सुनकर सुनील को बहुत गुस्सा आया। पता है तुम्हारे पापा ने क्या किया, उनकी सारे जायदाद वो एक ट्रस्टी के नाम कर दिया और तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, पता है ट्रस्टी गरीबों की बहुत मदद करते हैं, पापा ने ये बहुत अच्छा काम किया है। और तुम्हें जो मिलना चाहिए उसका क्या, तुम्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, तुम तो उनकी बेटी हो। देखो वो पापा की जायदाद है, उनकी मर्जी वो किन्हें अपने जायदाद देंगे और किसे नहीं, हमें क्या? सुनीता की बात सुनकर सुनील को बहुत गुस्सा आया और वो धीरे से अपने असली चेहरा बाहर निकाला। क्या हुआ सुनील, तुम बहुत बदल गए हो, हर वक्त मेरे साथ इतने बुरे बर्ताव करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्या हो गया अचानक तुम इतने बदल क्यों गए? एक भिखारी के साथ इससे अच्छा क्या बर्ताव करूं? भिखारी? कौन भिखारी? ज्यादा भोले बनने की नाटक मत करो, तुम और कौन, जिसको अपने पापा की जायदाद नहीं मिलता वो एक भिखारी के अलावा और क्या हो सकता है? ये तुम क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम मुझसे नहीं पापा की दौलत से प्यार करते थे? बिल्कुल, तुमसे कौन प्यार करेगा, इस दुनिया में दौलत ही सब कुछ है, मुझे बहुत अमीर बनना है। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं बहुत जल्दी एक बहुत अमीर लड़की से शादी करने वाला हूँ, मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स दे देना। तुम फिर से शादी करोगे? हाँ बिल्कुल,
नहीं तो क्या सारी जिंदगी एक भिखारी के साथ बिताऊंगा? मैं जैसे हैंडसम लड़का हूँ, मुझे बहुत सारे अमीर लड़की पसंद करेगी। नहीं, भिखारी के साथ जिंदगी बिताकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं बहुत जल्दी एक अमीर लड़की से शादी कर लूंगा, समझ गई? सुनील की बात सुनकर सुनीता बहुत रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करेगी? अपने बच्चे को लेकर पिताजी भी नहीं मानेंगे तो फिर कहाँ जाएगी? इसीलिए वो तय किया कि वो आत्महत्या करेगी। इसलिए वो एक नदी के पास गई और नदी के पास बैठकर रोने लगी। उसी वक्त ना, आज खरीदारी बहुत अच्छा हुआ, सारा खाना बिक गया। थोड़ी देर नदी के पास बैठकर आराम कर लेती हूँ, घर जाऊंगी। नदी के पास आकर बैठने के बाद उन्होंने देखा कि एक लड़की बहुत रो रही है। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने रो क्यों रही हो? सुनीता अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दिया। सुनीता की बात सुनकर वो बोली, इतनी बात के लिए तू अपनी जान देगी? इस बच्चे की क्या कसूर, तू इसे भी मार देगी? तो सुन मेरी कहानी, मेरे मम्मी पापा एक अच्छा लड़का ढूंढकर मेरी शादी करवा दिया। शादी के बाद पता चला लड़का बहुत दारू पीता है। दारू पीकर नशे में चूर होकर वो मुझे हर रोज मारता था। वो दारू में सारा पैसा खर्च कर देता था, इसीलिए खाना भी नहीं मिलता था। ऊपर से हर रोज वो मारता था मुझे। एक दिन मार मार के मुझे घर से निकाल दिया और मेरे बेटे को भी घर से निकाल दिया। तब मैं सोच रही थी, कहाँ जाऊँ, बेटे को क्या खिलाऊँ? फिर रास्ते में एक फास्ट फूड की दुकान पर मेरा नजर गया। फिर मैं सोचने लगी कि मैं भी अच्छा खाना बनाती हूँ, क्यों ना मैं भी खाना बेचना शुरू कर दूँ। फिर मैं कुछ घर में काम करने लगी, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं था, मैं कैसे खाना बेचूंगी। कुछ दिनों तक काम करके मैं कुछ पैसे जमा किया और उस पैसे से मैं एक फास्ट फूड की दुकान दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दिन अच्छे से गुजर रही है, मेरे बेटे भी बहुत खुश है। तू तो पढ़ा लिखा है, तो कुछ कर ना, क्यों इस तरह अपनी जिंदगी नष्ट करने जा रही है? फिर सुनीता सोचने लगी कि इसकी हालत तो और भी बुरा है, इसे तो मार मार के घर से निकाल दिया। अगर ये एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरे पास तो दो कंगन हैं, इसे बेचकर मैं कुछ पैसे जमा करती हूँ और उस पैसे से मैं भी एक खाने की दुकान दूंगी। मैं भी तो अच्छा खाना बनाती थी, क्यों ना मैं भी इस काम को एक बार देखूं। उसके बाद सुनीता अपने दोनों कंगन बेच दिया और उसे कुछ पैसे मिला और सुनीता शुरू किया अपनी नई जिंदगी। सुनीता बहुत मेहनत करने लगी। सुबह उठकर वो खाना बनाती थी और फिर उस खाना लेकर बेचती थी। सुनीता बहुत अच्छा खाना पकाती थी, इसीलिए उसकी सारे खाना बिक जाता था। इसलिए कुछ ही दिनों में सुनीता की दुकान पर बहुत दूर दूर से लोग आता था खाना खाने के लिए। कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। अच्छा, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा आ गया, एक काम करती हूँ, एक रेस्टोरेंट खोल लेती हूँ। अगर रेस्टोरेंट खोल लिया
तो एक साथ बहुत सारे लोगों को खाना दे पाऊंगी और उन्हें धूप पे खड़े होकर खाना नहीं पड़ेगा, वो शांति से बैठकर खा पाएंगे। इसलिए सुनीता एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट खोलने की वजह से सुनीता की इनकम और भी बढ़ गया। कुछ ही दिनों में वो अपना एक घर बना लिया और फिर वो एक सुंदर गाड़ी खरीद ली। कुछ ही दिनों के बाद सुनीता की मुलाकात होती है और एक बिजनेसमैन के साथ। वो सुनीता को पसंद करने लगे और सुनीता से शादी करना चाहा। नमस्ते मैडम, मैं सुमन हूँ। मेरे गारमेंट्स की बिजनेस है। अगर आपको कोई एतराज़ न हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पर सुमन जी, आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरी एक अतीत है जो बहुत ही बुरा है। फिर सुनीता अपने अतीत की सारी कहानी सुमन जी को बता दिया। मैडम, आपने जो बताया वो आपकी अतीत है। अतीत को लेकर वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। वर्तमान को सुंदर करके आने वाले काल को अच्छा करना ही जिंदगी है। और अतीत में बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपको ये सक्सेस मिला है, तो फिर अतीत की एक बुरी घटना को लेकर क्यों वर्तमान को खराब कर रही है आप? उसके बाद सुमन और सुनीता एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और सुनीता की वो छोटा बच्चा वो बचपन से अपने माँ को स्ट्रगल करके अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देखा। वो भी बिल्कुल अपने माँ की तरह दूसरों की दौलत पर लालच देने की बजाय खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखा। इसीलिए दोस्तों, कभी जिंदगी से हार मत मान लेना, जिंदगी में लड़ना सीखो, कभी ना कभी सक्सेस जरूर आएगा।